सो हेलो गाइस, सैमसंग की सबसे फेमस सीरीज एस सीरीज के अंदर S24 सीरीज को 17 जनवरी 2024 को फाइनली लॉन्च किया जाएगा। और आज की वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन के बारे में। डिटेल्ड बात करने वाले हैं किस तरीके का आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, किस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा, क्या क्या एडिशनल फीचर्स अब ऐड कर दिए गए हैं और किस टाइप की आपको इस सीरीज मिल जाती है। तो गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो भी गाइस जरूर से कर देना। देन गाइस चलते हैं आज की वीडियो में। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के डिजाइन से। देखो, रियर में देखने चाहोगे सेम डिजाइन रहने वाला है, सैमसंग S23 अल्ट्रा में देखने को मिला सेम टू सेम यहां पे डिजाइन देखने को मिल जाता है। यहां पे आपको फ्रंट में चेंज देखने को मिलेगा। S23 अल्ट्रा के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता था और पहले की सीरीज में भी आपको यहां पे कर्व डिस्प्ले दिया जाता था, थोड़ी प्रीमियम फील देता था। लेकिन यहां पे अब आपको फ्रंट के अंदर फ्लैट डिस्प्ले गाइस मिलेगा, जहां पे आपको बेजल है वो काफी कम देखने को मिल जाते हैं। अब की बार ये कुछ ऐसा नया करने वाला है जिसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर फ्लैट डिस्प्ले गाइस देखने को मिल जाता है और साइडों की तरफ आप देखोगे आपको यहां पे टाइटेनियम फ्रेम मिल जाता है। एंड फ्रेंड्स, अगर बात करें टाइटेनियम फ्रेम के बेनिफिट्स के बारे में, देखो एक तो स्ट्रॉन्ग होता है और आपका जो फोन कभी भी हीट होता है देन जल्दी से कूल भी हो जाता है और यहाँ पे आपको स्क्रैच वगैरह वो काफी कम मिल जाते हैं और एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको 6.8 इंच की क्वाड एचडी प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको 144 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको जो स्क्रोलिंग लेवल है वो काफी बढ़िया मिल जाता है, डिस्प्ले भी काफी बढ़िया मिलेगी, विंग एक्सपीरियंस देखोगे काफी बढ़िया मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको पता ही होगा फ्लैट डिस्प्ले मिलने वाला है। और रियर के अंदर देखने जाओ बताया जा रहा लीक्स के अकॉर्डिंग क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पे आपको मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल का मिल जाता है, वहां पे आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर। एंड यहां से सेकेंडरी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। एंड थर्ड, यहां पे आपको 10 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाता है और फाइनली यहां पे आपको फोर्थ जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस दिया जाता है। देखो, कैमरा वाइज तो ओवरऑल काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन लेकर आता है। एंड यहां पे अगर कैमरा के अंदर बात करें एडिशनल फीचर्स के बारे में, यहां पे आप 4K वीडियोस के अंदर इजीली काफी अच्छी तरीके से जूम वगैरह करोगे देन वहां पे जो क्वालिटी है वो सेम ही रहने वाली है, काफी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, किस तरीके की परफॉर्मेंस निकाल के देगा, देन यहां पे देखना होगा कि यहां पे आपको एक्सनोइस या स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। बट लीक्स की माने देखो, हाई चांसेस यहां पे आपको क्वालिकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले प्रोसेसर को देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 8 Gen 3 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, देन आप हाई लेवल पे गेमिंग वगैरह कर सकते हो और मल्टीटास्किंग काफी इजीली करोगे, काफी अच्छा चिपसेट है। एंड देखो, ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 14 पे रन करेगा और इसके अंदर आपको IP68 वाला सपोर्ट भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलने वाली है साइडों के अंदर। और देखो, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखोगे इस सीरीज के अंदर काफी बढ़िया मिल जाते हैं, पर थोड़े सेम से मिलते हैं S20 अल्ट्रा के जैसे। एंड गाइस, बात करते हैं S24 अल्ट्रा के बैटरी बैकअप के बारे में। यहाँ पे आपको 5000 mAh की गाइस बैटरी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको टाइप सी मिलेगा और 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है और बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मिल जाता है इस सीरीज के अंदर। अगर बात करते हैं S20 अल्ट्रा के प्राइसिंग के बारे में, देखो गाइस, इंडिया के अंदर इसकी जो प्राइसिंग है आपको 1,30,000 के आसपास देखने को मिलेगी। अगर गाइस आपके पास S21 और S22 अल्ट्रा है, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तब गाइस आप इस सीरीज का वेट कर सकते हो। अगर S23 है तो गाइस अभी आप यहां पे होल्ड रख सकते हो। एंड गाइस, इस सीरीज के अंदर आपको एडिशनली क्या देखने को मिलता है, देखो S24 अल्ट्रा के अंदर आपको बेस्ट AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सैमसंग ने ऑफिशियली बता दिया है और काफी अच्छे अच्छे AI फीचर्स को अभी ऐड करने वाला है इस सीरीज के अंदर। और यहां पे आपको थोड़े बहुत अपग्रेडेशन देखने को मिल जाते हैं, देखना होगा गाइस अभी ये किस प्राइसिंग पे लॉन्च करता है। देखो, स्पेसिफिकेशन वाइज तो यहाँ पे आपको 1,30,000 रुपीज इसकी अभी प्राइसिंग देखने को मिलेगी। एंड देखो, स्पेसिफिकेशन काफी बढ़िया मिल जाते हैं। और क्या क्या नए अपग्रेड्स आते हैं और क्या लीक्स आती है, अभी तक तो गाइस ये कुछ लीक्स थी S24 अल्ट्रा को लेकर। तो गाइस, आपको ये सीरीज कैसी लगी वो गाइस कमेंट करना, क्या S23 अच्छा है या S24 वो भी गाइस आप बताना कंक्लूजन के साथ, और कुछ करिए वो भी गाइस आप कमेंट कर सकते हो। देन गाइस, तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।